सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अब तक पुलिस अपराधियों के पीछे भागती थी, मगर अब पुलिस कोरोना वायरस के मरीज के पीछे भाग रही है, क्योंकि कोरोना वायरस के 5 मरीज अस्पताल से भाग गए। घटना महाराष्ट्र के नागपुर इंदिरा गांधी अस्पताल की है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के 5 संदिग्ध अस्पताल में भर्ती थे। 13 मार्च की रात को देर रात से 5 कोरोना वायरस के मरीज फरार है। अब पुलिस इन 5 मरीजों की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र में और केरल में 22 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि दुनिया भर में 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 89 मामले भारत में भी सामने आए, जिसमें से 4 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया, जबकि 1 की मौत हो गई। कोरोना वायरस के नए मामले केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पाए गए। कि वहाँ से जो सस्पेक्टेड 4 लोग थे, 5 लोग थे, उसमें से 1 का रिपोर्ट निगेटिव था और 4 का रिपोर्ट आने का था, तो वो खुद ब खुद चले गए करके। वो तफ्तीश करने में मैं हॉस्पिटल गया। मैं हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ के डीन से मिला, वहाँ वार्ड में गया, वहाँ से पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद पता चला कि जो 4 लोग थे, एक्चुअली वो 5 लोग थे, 5 लोग वहाँ पे चाय पीने के बहाने, नाश्ता करने के बहाने से वार्ड से चले गए, और उसमें से 1 का निगेटिव रिपोर्ट था। तो 4 थे, 4 लोग वहाँ से परस्पर चले गए थे। फिर उनको उनका एड्रेस, उनका ये फोन नंबर लिया, उनसे बात किया मैंने, तो वो खुद को आइसोलेट करके रखे हैं। और अभी सुबह भी उनसे मैं बात किया तो वो 10-11 बजे तक मैं हॉस्पिटल में वापस आने वाले हैं। उनको लाने की कुछ कार्रवाई होने वाली है क्या? लाने की कार्रवाई तो पुलिस की तरफ से नहीं होगी, ये मेओ प्रशासन, मेओ हॉस्पिटल, मेओ प्रशासन है और जिलाधिकारी कार्यालय, इनके तरफ से होंगी। लेकिन हमारा उनसे, उनके साथ कम्युनिकेशन है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव इशू है ये कोरोना वायरस संबंधित। अब वो मेओ प्रशासन के खिलाफ उनके मन में कुछ इरिटेशन था, इसलिए वो वहाँ से गए। ऐसे मैंने जब बात किया, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया। अभी तक तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मेरी थोड़ी बात हुई थी तो वो उनका बोलना था कि 10-10:30-11 बजे तक हम वापस वहाँ आ जाएंगे। और मैंने भी उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप सस्पेक्टेड है, अभी आपको तो हुआ नहीं है, लेकिन आप ट्रीटमेंट के लिए मेओ हॉस्पिटल वापस आ जाए करके। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।